नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पाबंदी के मुद्दे पर बहस पांचवें दिन भी जारी रही। अटॉर्नी जनरल ने राज्य का पक्ष रखने के लिए दो दिन का समय मांगा है। सुनवाई कल भी जारी रहेगी। एडवोकेट डॉक्टर विनोद कुलकर्णी ने आज हिजाब प्रतिबंध से अंतरिम राहत की मांग की और दावा किया कि हिजाब पर पाबंदी कुरान पर प्रतिबंध की तरह है। डॉक्टर कुलकर्णी ने कोर्ट से कहा, कृपया आज ही एक आदेश पारित करें कि शुक्रवार को और रमजान के महीने में हिजाब पहनने की अनुमति मिलेगी। एडवोकेट विनोद कुलकर्णी ने कहा कि हिजाब पर पाबंदी से छात्राओं का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए शुक्रवार को रमजान के दौरान यह अनुमति दी जाए। रमजान मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र महीना है। इस दौरान हर शुक्रवार सबसे शुभ दिन माना जाता है। हिजाब विवाद मामले में अदालत में इस बात पर बहस हुई कि क्या कुरान में हिजाब की सिफारिश की गई है। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर कुलकर्णी से पूछा कि क्या वो बता सकते हैं कि कुरान में हिजाब का जिक्र कहां आया है। इस पर डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा, मैं खुद एक भक्त ब्राह्मण हूं, मेरा निवेदन है कि मौजूदा आदेश कुरान पर पाबंदी लगाने के बराबर हो सकता है। मेरा निवेदन है कि कृपया एक आदेश पारित करें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हम आपकी दलील पर विचार करेंगे। उधर शिमोगा में DVS कॉलेज के गेट पर हिजाब पहनकर आई करीब 50 छात्राओं को आज रोक दिया गया। छात्राओं को क्लास में आने से पहले हिजाब उतारने को कहा गया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब याचिकाएं दायर की गई। याचिका में जमानत को रद्द करने की मांग की गई। ये याचिका लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य याचिकाकर्ता शिव कुमार त्रिपाठी ने दायर की। उन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया था। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि SIT और उत्तर प्रदेश पुलिस एवं स्टेट प्रोसिक्यूशन को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और उनसे पूछा जाए कि पीड़ित पक्ष को राहत देने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने UP बिहार के भैया वाले बयान पर उठे विवाद के बाद अब सफाई दी। चन्नी ने कहा कि उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने ये बयान राजनीतिक विरोधियों के लिए दिया था। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, वो यूपी बिहार के भैया टिप्पणी करते हुए पंजाब में काम करने वाले प्रवासियों की नहीं बल्कि आप नेताओं की बात कर रहे थे। चन्नी के बयान से पहले ही प्रधानमंत्री की आलोचनाओं पर प्रियंका गांधी ने कहा था, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब को पंजाबियों द्वारा चलाया जाना चाहिए। उनके बयान को गलत समझा गया। मुझे नहीं लगता कि यूपी से कोई भी पंजाब आने और शासन करने में दिलचस्पी रखता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि वो पार्टी में हिस्सेदार हैं, ना कि किराएदार। एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे नेताओं के बीच मनीष तिवारी को लेकर भी ऐसी ही चर्चा है कि वो कांग्रेस से नाता तोड़ सकते हैं। ऐसे ही सवाल के जवाब में तिवारी ने न्यूज एजेंसी NI से बातचीत में कहा कि अगर कोई धक्के देकर पार्टी से निकालना चाहे तो वो दूसरी बात है, वरना वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने 40 साल कांग्रेस को दिए हैं और उनके परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए खून बहाया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया। राहुल ने कहा कि उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने पंजाब के गरीबों की बिजली माफ़ नहीं की। अमरिंदर जी ने मुझे कहा कि हम बिजली माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बिजली कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इससे पहले राहुल ने कहा था कि कैप्टन के BJP के साथ संबंध थे और सरकार दिल्ली से चल रही थी। बता दें, इस चुनाव में कैप्टन की पार्टी का BJP के साथ गठबंधन है। पंजाब के अबोहर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कुमार विश्वास के बयान का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जमकर निशाने पर लिया। PM मोदी ने कहा कि इन लोगों की सच्चाई सामने आ रही है। मोदी ने कहा कि अराजकता और अलगाव के नशे में डूबे इन लोगों को पता नहीं है कि मेरा पंजाब क्या है। PM मोदी ने कहा कि अराजकता और अलगाव के नशे में डूबे इन लोगों को पता नहीं है कि मेरा पंजाब क्या है। उन्होंने कहा कि ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये लोग उसके लिए भी तैयार हैं। इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा अलग है ही नहीं। दरअसल कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल का सपना किसी भी तरह से पंजाब की सत्ता पर काबिज होने का है। कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए कहा कि मुझसे उसने कहा था कि मुझे पंजाब राज्य का CM बनना है या फिर स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। कुमार ने अरविंद केजरीवाल का नाम ना लेते हुए कहा कि साध्वी ने बीते पंजाब विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला भी बताया था कि किन अलगाववादियों की ताकत की मदद लेकर पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा। विश्वास ने कहा, ये व्यक्ति आज भी उसी राह पर है। पंजाब पर केजरीवाल के कथित बयान को पेश करने वाले कवि कुमार विश्वास के वीडियो पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने जोरदार हमला बोला।
उन्होंने कहा ये लोग केजरीवाल से डरते हैं, उनके नाम से कांपते हैं, इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, ये बेईमान लोग हैं, इसीलिए ये साजिश रच रहे हैं। हर चुनाव से पहले कीचड़ फेंका जाता है, ये लोग वही काम कर रहे हैं। आप प्रवक्ता ने कहा कि मैं इन बेईमान ताकतों से कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोग इस दुष्प्रचार में नहीं फंसेंगे। पंजाब के लोग जानते हैं कि बेईमान ताकतें सिर्फ एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को रोकने की साजिश करना चाहती है। राघव ने कहा कि जो लोग फेक वीडियो जारी कर ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कुमार विश्वास और अन्य लोगों से कि अब तक चुप क्यों थे, 2017 से पहले क्यों नहीं बताया, चुनाव से पहले ही बात क्यों याद आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज पठानकोट में रैली को संबोधित करते हुए मोदी और केजरीवाल को बड़े मियां छोटे मियां कहकर संबोधित किया। प्रियंका ने कहा कि पंजाबी और पंजाबियत का मतलब है कि वो ईश्वर के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाएगा, लेकिन इन लोगों ने पंजाब के लोगों को क्या क्या नहीं कहा। किसान आंदोलन के दौरान पंजाब के लोगों को जो कहा गया वो आप लोगों को याद होगा, लेकिन आपके सामने जितने भी राजनीतिक दल पंजाबियत पर जुमले कहने आते हैं उनमें से एक ने पहले ही अपने उद्योगपति मित्रों के आगे घुटने टेक दिए हैं, दूसरा भी सत्ता के लिए किसी के भी आगे झुक जाएगा। दरअसल ये दोनों बड़े मियां और छोटे मियां हैं। बड़े मियां तो सब कुछ बेच डाल रहे हैं, जो नहीं बेच सके हैं उन्हें बेचने की योजना बनाई जा रही है। देश में मोदी और बीजेपी केजरीवाल अमीरों के लिए राजनीति कर रहे हैं। देश में जहां सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी हर बात का दोष पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देने में कोई मौका नहीं चूकते हैं, उन्हीं नेहरू के लोकतंत्र के विचार को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने तारीफ की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने सिटी स्टेट में लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए इस पर संसद में भावुक बहस के दौरान आज़ादी और देश के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू के योगदान का जिक्र किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के भाषण की उस क्लिप को ट्वीट कर साझा किया है और लिखा है कि सिंगापुर के पीएम ने लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए इस पर बहस के दौरान नेहरू का जिक्र किया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री संसद के अंदर और बाहर हर समय नेहरू को बदनाम करते रहते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली ने मंगलवार को संसद में बहस के दौरान कहा, ज्यादातर देश उच्च आदर्शों और महान मूल्यों के आधार पर स्थापित होते हैं और शुरू होते हैं, लेकिन अक्सर संस्थापक नेताओं और अग्रणी पीढ़ी के बाद दशकों और पीढ़ियों में धीरे धीरे चीजें बदल जाती हैं। उन्होंने आगे कहा, चीजें तीव्र जोश के साथ शुरू होती हैं। स्वतंत्रता के लिए लड़ने और जीतने वाले नेता अक्सर महान साहस, अपार संस्कृति और उत्कृष्ट क्षमता वाले असाधारण व्यक्ति होते हैं। वे आग में तपकर आए और लोगों और राष्ट्र के नेताओं के रूप में उभरे। वे डेविड वेन गुरियंस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और हमारे अपने भी हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी बात आवाम के सामने रखी। मनमोहन सिंह ने कहा कि चीन हमारे बॉर्डर पर बैठा हुआ है और इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। आर्थिक नीतियों को लेकर मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार की नीतियों के कारण एक ओर लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, तो दूसरी ओर आज के हुक्मरान 7.5 साल तक सरकार चलाने के बाद भी अपनी गलती को मानने के बजाय समस्याओं के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोष देते हैं। मनमोहन सिंह 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इस पद पर बैठने वाले पहले सिख हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पुराने दोस्त लगातार टूटते जा रहे हैं और पड़ोसियों के साथ भी हमारे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब सत्ताधारियों को यह बात समझ आ गई होगी कि नेताओं से जबरदस्ती गले मिलने या बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंचाने से दूसरे देशों के साथ रिश्ते नहीं सुधर सकते। मनमोहन सिंह ने कहा कि अपने सियासी लाभ के लिए उन्होंने कभी देश का बंटवारा नहीं होने दिया, कभी सच पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, कभी देश और प्रधानमंत्री पद की शान को कम नहीं होने दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि बीते महीने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की बात कहकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राज्य के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसी तरह किसान आंदोलन के दौरान भी पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश की गई। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर पहचाने जाने वाले मनमोहन सिंह ने कहा कि जिन पंजाबियों की दिलेरी, बहादुरी और देशभक्ति को पूरी दुनिया सलाम करती है, उन पंजाबियों को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया और इससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के कई नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने किसानों को खालिस्तानी और मवाली तक कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हरियाणा के स्थानीय युवाओं को नौकरियों में आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले पर रोक लगा दी। कुछ दिन पहले हरियाणा हाई कोर्ट ने स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण लागू करने पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाई कोर्ट से कहा कि वो इस मामले में 4 हफ्ते में फैसला करें।
कोर्ट ने राज्य सरकार से भी कहा है कि वो इस कानून का पालन न करने पर कंपनियों के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाएं। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। खट्टर सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 1.5 मिनट की सुनवाई में ही अपना फैसला दे दिया। राज्य सरकार ने याचिका में कहा था कि उसके अधिवक्ता को हाईकोर्ट ने सुना तक नहीं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।